हाय गाइज, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा झारखंडी जोहार। मेरा नाम है पात्री टिपोर, स्वागत है अपने पात्री भाई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आया हूँ शीशे सेमरा गांव। दोस्तों गुमला से शीशे आया और इधर शीशे से सेमरा गांव। दोस्तों इधर आने में दोस्तों काफ़ी परेशानियाँ झेलना पड़ा, गूगल मैप का सहारा लेना पड़ा और साथ में दोस्तों लोगों को पूछ के भी आए रास्ते में। तो ये दिन तो दोस्तों हमेशा के लिए याद रहेगी कि हमें लोगों से मदद मांगना पड़ा और गूगल मैप से भी हम लोग बाद में लास्ट में दोस्तों गूगल मैप का उपयोग किए और यहाँ पहुँचे। काफ़ी दिक्कत हुई गाइज, उसके बाद जाके हम लोग यहाँ पे पहुँचे। और इधर का दोस्तों व्यू काफ़ी गजब का नज़ारा है, देख सकते हैं गाइज, काफ़ी जोर धूप लग रही है। और सीमा टोली गाँव में दोस्तों इधर का नज़ारा देख कर दोस्तों काफ़ी मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर कड़ा बंधा हुआ है, देख सकते हैं। हेलो, समझ नहीं रहे लेकिन कुछ मन मन में सोच रहा है गाइज ये काड़ा। और इधर का ब्यूटीफुल नज़ारा, वाओ क्या गजब का नज़ारा गाइज। और इधर देख सकते हैं कैसा पुअल को रखते हैं इधर के लोग। हमारे यहाँ तो दोस्तों मचन बनाए जाते हैं, उसके ऊपर पुअल को रखते हैं जिससे कि पानी जब भी आती है तो वो सड़े ना। और यहाँ के लोग तो ज़मीन में ही रखे हैं दोस्तों और ऊपर से तिरपल में ढक दिए हैं ये काड़ा बैल सबको खिलाने के लिए। पुअल को रखते हैं हमारे यहाँ झारखंड में। बाकी आप लोगों के यहाँ पुअल का आप लोग क्या उपयोग करते हैं आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। काफ़ी जोर पसीना पसीना हो रखा है दोस्तों मेरा पूरा शरीर, पता है, और पूरा फैशन भी बिगड़ चुका है। और आज दोस्तों बरसात के दिन में भी देख सकते हैं कि इतना धूप, बाप रे बाप। तो दोस्तों अब मैं सेमरा गांव का थोड़ा सा टहल पहल करने के लिए जा रहा हूं। अब देखते हैं सेमरा गांव में देखने के लिए क्या चीज़ है। बाकी तो आप लोग क्या बताऊं दोस्तों, चारों तरफ हरियाली सी दिखाई दे रही है और उतना तो ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए, बट खेतों का नज़ारा दोस्तों काफ़ी मस्त दिखाई दिया। और इधर देख सकते हैं काफ़ी लोगों का खेत में दोस्तों सबसे ज़्यादा तो दाल ही दिखाई दे रही है। और ये दोस्तों बागान है, आम का बागान है गाइस ये वाला। और अभी काफ़ी मज़ा आया दोस्तों, अब देखते हैं क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, आप लोगों को भी मैं दिखाऊँगा। और देखिए दोस्तों इधर क्या चीज़ है, वाह काफ़ी गजब का नज़ारा, मस्त गाइज। ऐसा नज़ारा देखने के लिए दोस्तों काफ़ी मज़ा आता है मुझे। वैसे गांव में तो हमेशा रहना ही है लेकिन थोड़ा अपना गांव से दूसरा गांव को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। काफ़ी मस्त लगा गाइज। और आज बारिश भी नहीं हो रही है, छतरी ना कुछ भी लेके नहीं आया है, रेनकोट ना कुछ भी, क्योंकि धूप हो रही है दोस्तों। और धूप इतना जोर है कि पता है पूरा शरीर दोस्तों पसीना से भीग जा रहा है। और थोड़ा देर घूम लेता हूँ गाइज। और गाइज ये गुंडली का खेत है दोस्तों, और इधर बादाम सब लगाए हुए हैं, देख सकते हैं चारों तरफ। और इधर बाहर का पेड़ सबसे अधिक दिखे धीरे गाइज, यहाँ रहा वहाँ रहा हाँ। और सिल्वर का पेड़ फोटूस तो काफ़ी ज़्यादा ही है दोस्तों। हमारे झारखंड ना झाड़ झूठ से भरा हुआ ये राज्य है, इसीलिए शायद हमारे यहाँ के पूर्वजों ने झारखंड रखा है। तो और इधर खेतों का नज़ारा देखे दोस्तों, वाह काफ़ी गजब का नज़ारा दिखे दिया गाइज। देखिए कैसा लगा गाइज, कमेंट कीजिए आप लोग, है ना मस्त नज़ारा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। मैं अकेला घूम रहा हूँ दोस्तों, कोई मेरा इधर दोस्त यार नहीं है, बस मैं इधर आप लोगों को नज़ारा दिखाने के लिए घूमने आया हूँ गाइज। और मेरे चाची वो अपना काम कर रही है, मैं इधर अपना काम कर रहा हूँ, सो आप लोगों को ब्यूटीफुल प्लेस दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। वाह क्या गजब यार, देख सकते हैं चारों ओर काफ़ी बढ़िया नज़ारा गाइज। और इधर दोस्तों देख सकते हैं गुंदरी, मस्त हुआ है दोस्तों यहाँ का गुंदली यहाँ। और इधर देखिए धान का खेत, काफ़ी बड़ा नज़ारा देख सकते हैं, वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा धान ही धान खेत है दोस्तों। और बाकी पीलू को क्या बोलते हैं वो दोस्तों, इसका धान का पत्ता को ना खा जा रहा है, पता नहीं क्या होगा गाइज, जब तक इसमें दवा नहीं छिटकेंगे ना तब तक ये ठीक नहीं होगा। तो यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है गाइज। Thank you.
हेलो दोस्तों, अभी मैं आया हूँ कपिलनाथ धाम मंदिर। दोस्तों ये सामने आप लोग देख रहे हैं, ये कपिलनाथ मंदिर है गाइस। यहीं पे काफ़ी सारे लोग पूजा पाठ वगैरह के लिए आते हैं। और इधर का नज़ारा देखिए दोस्तों, काफ़ी गजब का नज़ारा दिखाई दिया गाइस। और सामने ये रहा दोस्तों कपिलनाथ गाँव, और यही जस्ट बगल में हम लोग आए हुए हैं कपिलनाथ धाम मंदिर। मस्त हरा भरा खेत गाइज। गाइज आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि यहाँ का कपिलनाथ धाम का मंदिर आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय गाइज।